हेलो गाइस, आज मेरे ब्लॉग में कुछ कंटेंट नहीं है। बस मैं नॉर्मल आज टॉक कर रहा हूँ कि आज का ब्लॉग कैसे नॉर्मल होने वाला है, जैसे कि इसी कमरे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, बस ऐसा नॉर्मली। इसमें ऐसा है कि आज के दिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप पढ़ाई के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, जैसे मैंने भी किया, अभी ब्लॉग बनाना चालू किया है। ऐसा कुछ आप भी कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी यार, कुछ नई स्किल सीखो, कुछ नई चीज़ सीखो उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ। जैसे पढ़ाई तो डेली होती, उसके लिए मैं घंटा आधा घंटा दिन का निकाल लूँ और कुछ नहीं करना। बस सोचना ये है कि आपको करना क्या है, वो आपको सोचना है कि मैं पढ़ाई के साथ घंटा आधा घंटा किस चीज़ में, जैसे मतलब आप पढ़ाई करना चाहते हो उसके अंदर ही कुछ सीखना चाहते हो, इंग्लिश, जैसे इंग्लिश को चाहे इम्प्रूव करना सीख सकते हो, ये सीख सकते हो। मैथमेटिक्स आप अच्छी कर सकते हो, आप सोच रहे हो मैं चाहिए टॉपिक है, मैं मैथ थोड़ी अच्छी कर सकता हूँ, मेरे आगे बहुत काम आएगी। मैथ्स तो काम आती है, इंग्लिश और मैथ्स ये नॉर्मल है, ये है। इसके साथ नॉर्मल आप जीके भी तैयार कर सकते हो, करंट जीके है, ये चीज़ आप तैयार कर सकते हो। अगर पढ़ाई के रिलेटेड आप ऐसे कुछ तैयार करने चाहते हो तो, जैसे मेरे भी रीट का पेपर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि डेली तो पढ़ता ही हूँ। मैंने क्या, अभी जो फरवरी में है वो रीट नहीं दूंगा मैं, कि मैंने उसका फॉर्म नहीं भरा था। अगली रीट तो मेरे तो अभी उसकी डेट भी नहीं है, तो मैं पढ़ता हूँ, मैथ्स पढ़ रहा हूँ अभी, तो उसका मैथ्स का चल रहा है। इससे पहले मैंने साइकोलॉजी पढ़ ली, अब मैथमेटिक्स एक एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ। तो आप चालू कर सकते हो, मतलब कुछ भी, सब भले आपके एग्ज़ाम अभी नहीं है तो भी आप पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए आपको। पढ़ाई बीच में अगर मतलब स्टॉप नहीं करनी, स्टॉप कर दी तो फिर बाद में वापस वो रूटीन नहीं हो पाएगा पढ़ाई का, इसलिए पढ़ाई तो कर रहे हो कुछ एक्स्ट्रा करो। आप पढ़ाई पढ़ाई करोगे तो फिर उसके अंदर बोर हो जाओगे, वो कुछ अलग करो उसके अलावा। पढ़ाई में भी जो मैंने बताया उस हिसाब से आप कर सकते हो। और अगर अगर आप घूमने का शौक रखते हो, ऐसा नहीं मतलब नॉर्मल घूमने का, जैसे वॉकिंग वगैरह हो गई, फ्रेंड के साथ शाम को निकल लो या सुबह निकल लो वॉक के लिए, ये भी अच्छा है। वॉक के साथ अगर कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हो आप, ये भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उस हिसाब से आपको लगना चाहिए आपको क्या करना चाहिए, उस हिसाब से आप। मैं पिछले नहीं, उससे पिछले 2 साल पहले, मतलब 2022-20 में, तब मैं एक्सरसाइज भी करता था सर्दियों में, मतलब एक्सरसाइज वगैरह योगा वगैरह करता था मैं, काफ़ी अच्छा है सेहत के लिए, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो बस आज के लिए इतना ही, बस नॉर्मली ऐसे टॉक के लिए मैंने ये ब्लॉग बनाया है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।